बड़वानी नगरी निकाय चुनाव के बाद अब शपथ विधि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज बड़वानी नगर पालिका में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदगणों का आज शपथ विधि समारोह का आयोजन था, लेकिन इस दौरान कई पार्षद जहां नदारद थे, वहीं कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां भी खाली नजर आई। न राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पहुंचे, न लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष भी नदारद रहे। वहीं मांगलिक भवन की मांग लिए आदिवासी समाज की महिलाएं पुरुष भी नाराज नजर आए, खुलकर विरोध किया और कार्यक्रम स्थल के सामने जमीन पर बैठ गए। इस मामले में मंच पर मौजूद पशुपालन मंत्री तो मीडिया से कुछ नहीं बोले, जबकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष अश्विनी चौहान ने भी दबे मन से कहा कि किसी भी प्रकार की नाराजगी या मनमुटाव से इनकार करते हुए कहा कि कोई नाराज नहीं है, न किसी प्रकार की गुटबाजी है। समाज के लोग मांगलिक भवन की मांग को लेकर आए, उन्हें भी आश्वस्त किया है, शहर का विकास करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मेरा नाम गोलू चौहान है। हम इसलिए आए थे कि एक सार्वजनिक जगह है जहां पर हमने उस टाइम में धर्मशाला के लिए मांग करी थी, आज से 5 साल पहले, जब कुशल सिंह डुडवे जो यहां पे सीएमओ साहब थे, उस टाइम हमने बोला था कि ये जगह हमें आदर्श धर्मशाला के लिए दे दी जाए। तो उस टाइम में लक्ष्मण चौहान अध्यक्ष थे और वो सीएमओ साहब थे, उन्होंने कह दिया था हमें कि ये जगह पर सार्वजनिक गार्डन बनेगा, किसी को जगह दी नहीं जाएगी। और आज यहाँ पर हमारे धनगर समाज के लोग इस गार्डन के ऊपर उनकी धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं। और हमारी यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष आदिवासी महिला है, जो आज हम आदिवासी के लिए आए हैं कि हमको धर्मशाला जगह हमें दो, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। हम चाहते कि जगह हमें दो, उनको दे रहे, उनके पास तो ऑलरेडी दो धर्मशाला उनकी खुद है धनगर समाज की। हम लोगों तो हमेशा रोड पर ही कार्यक्रम करते, कुछ भी हमारे को धर्मशाला के लिए जगह दी जाए, हम भले हमारे कई कैसे कर बनाएंगे धर्मशाला को। हम वार्ड क्रमांक 15 के निवासी सब लोगों जितने भी आए हैं वहाँ, हम आदिवासी 600 लोग हैं वहाँ पर। कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं? हम 5 साल से उससे मांग कर रहे हैं धर्मशाला के लिए। हाँ, हमने उस टाइम में मांग की थी, जब भी सुनवाई नहीं, उस टाइम में जब पहला चुनाव जब भी हमने मांग करी थी, बोले हम आपको देंगे, उसके बाद से अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। और आज वहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है धनगर समाज द्वारा, ये मंत्री जी और वगैरह और ये आने वाले थे, अध्यक्ष नगर पालिका वगैरह अध्यक्ष नहीं बनी है, इससे बात की आपने? हाँ, हमने बात की तो उन्होंने मंत्री जी ने हमको कह दिया है कि आप जाओ, आपकी बोले नहीं बनेगा धर्मशाला, हमको ऐसा करके बिठा दिया, बाहर कर दिया, अभी हम बाहर बैठे हुए। और वो हमको कह रहे कुर्सी पर आगे बैठो, हम कुर्सी पर आगे क्यों बैठे, हम तो हमारी मांग के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे बैठने के लिए, हम तो रोड पे ही बैठेंगे, रोड पे ही रहेंगे। किस तरीके के विकास करोगे क्या? गाँव का सर्वांगीण विकास करेंगे, हर वार्डों में जाया जाएगा, सबकी समस्याओं का सुनी जाएंगी, कैंप लगाए जाएंगे और सभी का निवारण किया जाएगा। आज मंच पे दोनों सांसद और जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, यह गुड़बाजी देखने को मिली है भाजपा में? नहीं, कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप था, कुछ आदिवासी समुदाय के लोग नाराज थे, नगर पालिका का घेराव करके बैठे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी परेशानी आती है तो हम सभी से मिलकर उनकी सहमति से ही कार्य करेंगे। आदिवासी हम समाज है दशहरा मैदान वार्ड नंबर 15 से, मंत्री जी से एक ही निवेदन है कि हमारा धर्मशाला नहीं आदिवासी लोगों का, पूरे जिले तो हम, हाँ, हमारे बड़वानी में, जिले में तो होगा लेकिन हमारे बड़वानी शहर में नहीं है, तो हमको मंत्री जी से एक ही निवेदन है कि हमारा धर्मशाला बना दो, जहाँ पे ये यादव धर्मशाला बन रहा ना वहाँ पे हमारा धर्मशाला बनाओ, यादव समाज का धर्मशाला है। प्रेम सिंह पटेल जी से निवेदन, मंत्री जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उनका हमने अभी बंद करवा दिया और वो यादव समाज वाले बोल रहे हैं कि हम साथ में करें, तो हम साथ में नहीं, हमको हमारा धर्मशाला चाहिए सर। और पार्षद ने हमारे से अभी बदतमीजी से बात करी, उन्होंने बोला कि तुम हमारे पास आए तो उनको हमारे पास आना चाहिए ना, कि हमारा धर्मशाला बन रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे घर के सामने, हमारे घर के सामने है ना। और अभी मई में शादी हुई थी हमारी, तो हमने वहाँ पे पंगत रखवाई थी सामने, जहाँ पे ये है पार्क का, वहाँ पे धर्मशाला बन रहा है यादव समाज का, तो वहाँ पे 5 टैंकर पानी डलवाया और मिट्टी डलवाई उन्होंने कि हम कार्यक्रम नहीं कर रहे। अभी नगर पालिका के बाहर खड़े हो, धरने पे बैठो आप? हाँ, हमको हमारा बस ये कि अधिकार चाहिए कि हमारा आदिवासी का धर्मशाला हो, बस एक ही निवेदन, हम कोई लड़ाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।